हमारी बहनें माताएं पुलिस प्रशासन के लोग पत्रकार बंधु हमारे जितने भी लीडर हमारे पदाधिकारी ये जो पूरा जो क्षेत्र है दिल्ली देहात यहां से तो इन आंदोलन की शुरुआत ये इसी क्षेत्र से हुई। ये उद्गम स्थान है आंदोलन का। पंजाब का ये वही पूरा क्षेत्र है, उधर से भी उत्तर प्रदेश से सब जगह से जब यहां पे जेल भरो आंदोलन चलता था तो लोग आते थे यहाँ पे। डिकेट साहब के टाइम में भी लोग आते थे, वो भी यहाँ पे बहुत बार आए। पंजाब लेकिन के रिश्तेदार के रोड पे ही लोग थे, मास्टर जी भी तजुका बहुत लोग थे, वे वहां पर जाते थे। उन्हें ही हमको जागृत करा, हरियाणा वालों ने जगाया। लेकिन बीच में यूके दिल्ली की जमीन ने बहुत महंगी होगी, दिल्ली दिल्ली के नजदीक होगी, और आज भी अगर कहीं जाकर पूछते हैं कि भाई दिल्ली में किसान है तो कोई देश में मानने को तैयार ही नहीं है कि दिल्ली में किसान भी है। दिल्ली में तो ये मानते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, हम कहते हैं बहुत काम है वहां पर, लोग खेती करते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। यहां पे दोबारा 35 साल बाद में ये आंदोलन दिल्ली में शुरू हुआ है, और ये जब हुआ जब आपकी जमीन छीनने का काम शुरू होगा। आपने बिल्कुल मूवमेंट ठीक लगा कि काम रुकने से ही समाधान होगा। अगर उनको आपकी जमीन चाहिए टावर लेकर जाने हैं तो जो आप मांगोगे वो देंगे। 2007 में गेल पाइपलाइन बागपत के क्षेत्र में गई, 2007 में 7.20 रुपए मीटर उसका मुआवजा किसानों ने ले लिया, करीब 18-19 या 20-22 का हूं मुआवजा ले ले, कब्जा ले लिया। फिर किसानों को लगा कि कम है, जब वो लाइन आगे गई जो गुजर समाज पे हमारे गांव पड़ते थे, बला निमानी ये गांव पड़ते थे हमारे जिला अध्यक्ष समाज के प्रताप गुजर, उन्होंने कहा कि मुआवजा कम है मका कम है तो रोक दो। जैसे उन्होंने पाइपलाइन रोकी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिसका 2 साल पहले मुआवजा ले लिया कब्जा ले लिया उसका क्या रेट कितना होगा, 7 रुपए 20 पैसे से कितना रेट बढ़ना चाहिए, उसका रेट बढ़ा 430 रुपया। कितने गुना बढ़ा? 430 रुपए। फिर मुआवजा दिया, उसमें भी कंडीशन ये लगाई कि भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष लेटर पैड पर समझौता कर रहे हैं। तो लेने वाला चाहिए, देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये दान में भी आपकी जमीन नहीं है, आप दान में देना चाहते हो तो ये दान में ले लेंगे। लेकिन अब वो जमाने चले गए कि पुलिस की कोई फायरिंग होगी कोई आंसू गैस के गोले तो एक आधा को चल सके, एक आधी लाठी गोद भी चल सके, लेकिन अब सिद्धि गोलियां नहीं चलने की, वो जमाने चले गए। अगर दिल्ली के आंदोलन में उनका कब्जा हो गया होता तो फिर तो ये हालात होते। आज तो जागरूक हो गए सब, किसान संयुक्त मोर्चा बन रहा है, अपना झंडा लगाओ अपना बैनर लगाओ, संयुक्त मोर्चे का नाम लिखो, लग जाओ जिसको जो झंडे से प्यार हो, जो संगठन के नाम से प्यार हो वो लगा लो, संयुक्त मोर्चे में शामिल हो जाओ और अपना काम करो। और ये तो दिल्ली के चारों तरफ जो एक घेरेबंदी हुई है ना, इसमें भी ध्यान गया ना, अभी जो केएमपी ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे बना है या दिल्ली की घेरेबंदी है, इसके हमने गेट गिन लिए कितने हैं, हरियाणा में कितने, उत्तर प्रदेश में कितने। अब इसका एक का अध्यक्ष बनाना है हमको, वो 50-50 गांव का बना तैयारी कर रहे हैं, जब रोक रहा हूं तो भी 50 गांव ही दिल्ली को रोक लेंगे।
वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ये रोक लो, ये तो बोंडवाई है, किला बंदी है, दिल्ली ना बाहर ना अंदर, ये रुक जाएगा सर, इसमें भी काम चल रहा। भाई ट्रैक्टर जाके खड़े कर लो, आपके ट्रैक्टर के आंदोलन से पूरी दुनिया में ट्रैक्टर ले जाकर शहरों में घुसा दिए, जर्मनी में, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पूरे ट्रैक्टर के आंदोलन चल रहे और हमारे से मजबूत आंदोलन चल रहे, बड़े बड़े ट्रैक्टर आंदोलन में शामिल हो रहे, जिस पुराल को जलाने पे भारत सरकार ये कहती है कि इससे पोल्यूशन होता है, उस पुराल को उन्होंने एफिन टावर को पूरे गट्ठे लगा दिए, पूरा एफिन टावर को सुराल बुलवा दे, जो पैरा है, जिन बिल्डिंगों में अधिकारी बैठते हैं वहां पर बड़ी बड़ी मशीन लगा के और उससे प्रेशर से गुस्सा और कचरा डाल दिया शहर में, वो आंदोलन भी तो हम कर सकते हैं। ये आपका आंदोलन लंबा चलेगा, अगर आप यहां पर धरना दे रहे हैं तो आपने पतंग जरूर उड़ाई होगी, किस किसने पतंग उड़ाई मैं फिर बताऊंगा कि क्या होगा इस धरने का। हाथ उठाओ जो पतंग उड़ाता है, जो उसके जब पैंच मिल जाते हैं, जो भी उसको पहला उठाओगे वो ही कटेगा। ये धरना आपका लंबा चलेगा, धरने से आप हताश हो जाओगे, आप फिर कहोगे जी हमारा कुछ हुआ नहीं और हम कुछ ना कुछ खुराफात की तरफ चलेंगे, क्योंकि हरियाणा का वोटर है ना, हरियाणा के आदमी ज्यादा बैठता नहीं, वो उलट उलट करता है जल्दी। आप हमारी जो व्यक्तिगत सलाह है धरना को दो मत, आप अपने टावर का ध्यान रखोगे, मेरे खेत में काम करेगा हम उसी दिन आ जाएंगे। ये आपके साथ में अभी बंद कर देंगे, ये 6 महीने बाद में काम करूंगे, 6 महीने आप अगर धरने में बटोगे तो आप हताश हो जाओगे। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर में एक पुल बनना था, उस पर पुल बन गए थे, ऊपर रखे गए थे वे गाटर बड़े बड़े, वहां धरना दे दिया, हमने कहा कि लंबा चलेगा आंदोलन, धरना तो खत्म करो। पुलिस को कह दिया कि अगर यहां पर मिट्टी डली तो वो ट्रक मिट्टी डालने तो आएगा, जाएगा नहीं। हमारे गांव में भल्ले है, मगर टेरू में भल्ले लगेंगे, ट्रक यही रहेगा खड़ा हुआ, तो कोई डालने आया ही नहीं, वो ठेकेदार कोई आया ही नहीं, वो फिर पुल फटा, उसके पिलर पड़े, नीचे से उखड़े और वो साफ किया। अभी जो दिल्ली से देहरादून एक एक्सप्रेस वे बनना है, वहां पे एक ट्रक लगना है, हमने कह दिया भाई ट्रक लगा दो, और तीसरे चौथे महीने एक बिल्डिंग कर ले, 100 मीटर का काम हुआ रखा वहां पर, धरना कोई नहीं। हमने कहा देहरादून जाना होगा, अगर पुल को तो कट ले लियो, कुछ लोग कह रहे हैं कट ले लेंगे नहीं, मकलाई यहां सड़क नहीं बनने की, हरियाणा के कोई ठेकेदार उन्होंने किसी से सिफारिश भी करवाई, हमने कहा हम क्या इनको कह रहे हैं, यहां काम नहीं होगा, यहां पर कट होगा, हमारे तो सरकार से लड़ाई है। तो ये जो आंदोलन है ये लंबे चलते हैं, इनको शांतिपूर्ण तरीके से चलाना, जब जब जरूरत होगी यहां पे आते रहेंगे, धरना स्थल से कहीं जाना नहीं, सिर्फ उन्हें खेत में जाना, अगर वे काम शुरू करेगा तो खेत में जाना, और यहां से घोषणा कर दो जो भी ट्रक वाहन वहां पे सामान लेकर आएगा वो आएगा जरूर खेत में, जाएगा नहीं, तो कोई ठेकेदार वहां पे आएगा ही नहीं, ये सब तो है नहीं कि ऊपर से हेलीकॉप्टर से लेकर आएंगे, काम बंद, मुआवजा नहीं तो काम बंद, और दोनों सरकार के लोग आपके पास में आ ही रहे हैं, यहां के मुख्यमंत्री से भी मिलो, पूरी कमेटी आपकी बनी हुई है, मुख्यमंत्री से लिख के कहो के प्रस्ताव भेजो, और जो दूसरे लोग हैं उनको कहो के भाई इसको मंजूर करो। देखो जहां जहां पे ये लड़ाई बहुत लड़ी गई, उत्तर प्रदेश में भी लड़ी गई, जो एक आदमी भी अपने खेत में नहीं लगने देता वो नहीं लगने देगा, बगैर समझौते के, बगैर मुआवजे के वो लगा ही नहीं सकते। अपने मुझे मुजफ्फरनगर में भी कुछ जगह लोगों ने रोक रखी है, उनको रुक ही रहे, हमने कहा के मानना ही नहीं,
कहने जी पहले डेढ़ लाख रुपए दे दिया अब आठ दे रहे मगर तो मन नहीं कि मन ना तो और आ जाऊं तो प्रशासन बाबा जब भी आंदोलन शुरू होगा भैया फोर्स ना खड़ी हो तो भाई आंदोलन भाई अगर किसान आंदोलन में फोर्स ना खड़ी हो वाटर कैनन ना खड़े हो तो फिर आंदोलन नहीं था। और अभी तो एक ये बताओ इन आंदोलन पे किसी पे घाटी लगी एक आंसू गैस का धुआं देखा किसने जिसने आंसू गैस का धुआं देखा हुआ था तो पहले देखा हो किसने अबे इतने धुआं देखा तो आप अभी नहीं जब तक सारे लोग वो धुआं नहीं ले लेंगे जब तक आंदोलन नहीं का इस आंदोलन का तो जो उद्गम स्थल है वो ये है। और बगैर उसके तो भाई जमीन चले जाएगी संघर्ष को जमीन के लिए करना पड़ेगा। यहां से हम भी बता सकते हैं फिर कि आंदोलन वहां पर चला इसके लिए कानून भी बने हुए हैं युद्धवीर सिंह ने बताया भी है उसकी पूरी एक कमेटी बनी हुई है वो हिमाचल से लगाकर तमिलनाडु सब जगह उन्होंने तमिलनाडु से कोर्ट के कुछ फैसले भी उन्होंने ले रखे हैं और जो जिस खेत से लाइन जाएगी उन्होंने उसके लिए भी कोर्ट से ऑर्डर करवा रखी है तो बहुत जगह कुछ लोग मांगते हैं तो उसको दस्तावेज दे देते हैं ये लड़ भाई कुछ मजबूती से लड़ रहे कुछ कोर्ट का मामला इससे लड़ तो हम सब लोग आपके साथ में है किसान संगठन आपके साथ में है किसान संयुक्त मोर्चा आपके साथ में है आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से इसको चलाते रहे और जो हमारे नौजवान साथी है जो हमारे यूथ है वे चलाते रहे और जो खाप पंचायत के लोग हैं उनको मान सम्मान का सबका ध्यान रखे बहुत लोगों को स्टेज से निकाल देते हैं जी दो मिनट होगी उन्हें छोड़ दो नाराज हो जाएंगे तो वो खिलाफ काम करते रहेंगे कि मैं जब वहां पर गया था बोल दिया मुझे वहां गया था टोकरी तक गिना करो बिल्कुल भी कहां जान लग रहे हो मौसम बढ़िया हो रहा सब लोग हैं कोई कहीं नहीं जाता सब लोग सुन कर जाएंगे और ये तो पंचायत तो पांच लोगों की भी है सौ लोगों की सिसोली में जब पंचायत होती थी 17 तारीख की वहां पे आशा राम मेजर गांव के एक अध्यक्ष थे वो एक दिन जब ये कार्यालय नहीं बना था पल और होकर एक गायब बटे और इतने बाग से ये है कि उस दिन दूसरा आदमी कोई आया ही नहीं मतलब अकेले आशा राम मेजर सिसोली की 17 तारीख की पंचायत जो ऐतिहासिक पंचायत होती है वो आकर ले आए और चार बजे जब कोई नहीं आया वो इतफाक की था क्योंकि जब कहावत बनती है तो इसलिए ऐसी बनती है अकेले आए अकेले ही पल इकट्ठा करा रोक पठारा वहां चले गए और फिर उसी में ही वीर बहादुर सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के वो वहां पाए तो 50 लाख से ज्यादा आदमी उसी से सुन ली पाए और पॉलिटिकल वालों के सिस्टम में जाते नहीं जाना इनके बहुत प्लान इनकी है उसके कैप्चर में पूरा विपक्ष भी फंस गया उन्हीं के चैप्टर में अब हरियाणा हरियाणा कह रहे हरियाणा को तो उड़ने एक डिग्री मंगा ली है कहली हरियाणा में भी बीजेपी आएगी अब दौरा क्या गणित है भाई कैसे कहले जी तीन मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस के लड़ेंगे दो चौटाला लड़ेंगे आप पार्टी के लड़ेंगे और एक बीजेपी का लड़ेगा तो सात लड़ेंगे सात में से एक लड़ेगा और छह दूसरे वाले लड़ेंगे मगर भी तुम्हारा गणित बहुत बैठा है तो ये तो आंदोलनकारी बीच के बचेंगे अभी और हालात खराब होगी देश के ईवीएम की बात कर रहे हैं एमपी साहब जिनका चुनाव लड़ना में तो जिक्र कर नहीं रहे ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं ये देश आंदोलन से बचेगा आप अपने आंदोलन का ध्यान रखो वोट आठ जिसको जहां देनी अपना दे लेना इनके चक्कर में फंसना ही नहीं आपको जो ठीक लगे उसको अपना काम करो जो आपके काम करता हो उसके पक्ष में अपना जाओ और अपने आंदोलन पे ध्यान रखो यहां तो गुजरी पूरा एनसीआर में 10 साल पुराना ट्रैक्टर डीजल से चलने वाला कोई भी जनरेटर पंपिंग सेट सब बैन है ये तो आंदोलन से चल रहा है आप लोग आंदोलन तो चल रहा है 10 साल पुरानी गाड़ियां
या कोई ये पूंजीपतियों का राज है। ये सरकार एक पूंजी पत्नियों का एक गैंग है, उस गैंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उसने कब्जा कर लिया देश में। इसमें टाइम लगेगा, किसान और मजदूर की आजादी जब देश 47 में आजाद हुआ, ये दूसरी लड़ाई है आजादी की। इसमें गैंग सामने गए तो अपने संगठन को मजबूत रखो, जमीन मत बेचो, जमीन बचाने के लिए अपने आंदोलन करो। बहुत से सिस्टर युद्धवीर सिंह ने बताया है कि जमीन का पूरा हक अब हमारा यहाँ पे है और हमारे खेत में कोई चला जाएगा तो कैसे चला जाएगा। तो संघर्ष के लिए तैयार हो हम सब लोग साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।